पत्थर पत्थर देख रहे हैं आप, लग ही नहीं रहा खेत है, नई जमीन है पर मक्का बहुत शानदार होता है। हेलो गुरु, करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। और गुरु फिलहाल आज फिफ्थ दिन बोनी का, और जो कि फोर्थ दिन लगे अपने गांव के बोनी का, तो आज फिफ्थ दिन जो कि गांव के बाहर है 30-35 एकड़, उन्हीं को बोने में 4-5 दिन लग जाएंगे फिर से। तो जा रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 8 बजते होंगे, नहा के रेडी हम लोग। चलो भाई थोड़ी जल्दी जाना है क्योंकि भाई दूर भी पड़ता है फिर आना भी रहता है। रात को मेरे को लग रहा है अब तो 10-11 बज जाएंगे आते आते। चलते हैं जल्दी से, थोड़ी बहुत नाश्ता करते हैं और चलते हैं भाई, ट्रैक्टर रेडी होने लगे। चलो चलते हैं। चलो गुरु फिलहाल घर से निकल के आ गए और ट्राली ऊपर है, मैंने खाद आद रख दिए हैं और दो ट्रैक्टर जा चुके हैं, वो तो बोने भी स्टार्ट कर दिए होंगे। चलो हम भी निकलते हैं जल्दी। चलो गुरु फिलहाल कुछ मक्का का लेना भर रहा है, यहाँ रहता है। चलो गुरु फिलहाल पेट्रोल पंप आ रहा है, बिजली लगा गुरु पेट्रोल पंप हमारे यहाँ कोई डीजल नहीं है, कहीं और जवाब बनाना पड़ेगा डीजल लेने का। गुरु फिलहाल पहुंच गया खेत, और बहुत दूर का खेत है गांव से, तो एक ट्रैक्टर बखरौनी कर रही है और एक ट्रैक्टर बोनी कर रही थी। चलते हैं पहले बोनी पास, यहां पर बोनी हो रही है। और सबसे खासियत बताऊं गुरु इन खेतों की, ये खेत है नए और बहुत सारे पत्थर पत्थर देख रहे हैं आप, लग ही नहीं रहा ये खेत है, नई जमीन है पर मक्का बहुत शानदार होता है पर पत्थर बहुत ज़्यादा है गुरु, उधर पर पत्थर बनवाना पड़ेगा। चलो सिद्धिल पास चलते हैं गुरु, देखो यहाँ पर भी बेड बन चुके हैं और यहाँ पर भी बोनी चल रही है, बेड ही में बोनी चल रही है, मस्त आ रहा है इधर का भी। जान दो मजा आ रही है, चलेगी तो फिर बोनी इधर किया तो ट्रैक्टर वो है गुरु। गुरु फिलहाल इस खेत को निपटा दिए, राधीगढ़ का होगा उसके ऊपर वाला है, फिर उसके ऊपर वाला डाल बहुत बड़ा प्लाट है, लगभग 14-15 एकड़ का प्लाट है वो। चलो छोटा छोटा टुकड़ा निपटाते हैं, फिर देखो ट्रैक्टर चल रही बखरौनी कर रही है, निपटाएगी वहाँ से आ रही ट्रैक्टर फिर से लौट के इस खेत में। चलो गुरु बखरौनी चल रही है और उधर बोनी चल रही है, ये है तो लेके बैठ गए, कॉफी चाय समोसा डोसा, क्या जंगल एरिया गुरु देखो उधर, मन तो भाई चाय वाला। चलो गुरु फिलहाल इससे बोनी में जाएगी, जाएगी दूसरे से तेल क्योंकि प्लान में करेगी, जो बखरौनी चल रही है यहाँ पर वहाँ पर करेगी प्लान में सिर्फ, इसके नहीं बनाएंगे बैठ से फिर ये इधर की बस लिए। तो फिलहाल पाना देख ले जा रहा है, भैया को पाना लग रहा है, चलाओ चलाने हैं इतना कन में लाने हैं जो एक गेप जो गेप का होगा चश्मा लगा रखा है यार, मास्टर जी लग रहा है, खाना खान चलो 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 बरेली में हूँ। चलो कुछ इतनी बढ़ा दी है हमने, चलते हैं वहीं।
खाते हैं गुड्डा मामा तो वहाँ सकते हैं। गुरु फिलहाल जी फिर आ गए, इससे करेंगे बॉनी खटाखट। चलो फिलहाल इसमें खाते खाते हैं। खेत आने के बाद पता चलता है घर पर कि सिटल थोड़ी सी खराब। वाह वाह बॉनी को लेट कर रहा है। चालू हो गई बॉनी। चलो ये पूरा 14 एकड़ का प्लाट है, इसको 10-11-12 दिन से बसते हैं, पूरा निपटा के जाना है घर। चलो चलो गुरु इस प्लाट में मटर रखें। गुरु खा लिया वरना तो सिडल तो फटाफट 5 बजे तक बोनी बढ़ाना है घर जाना। चलो गुरु दो ही सिडल चल रहे हैं, एक बेड वाले और एक नॉर्मल पाटीदार, दोनों सो रहे बोनी। गुरु साल बोनी आ गया, बोनी आ गया गुरु। चलो गुरु फिलहाल थोड़ा पानी रोका है और फिर से काम स्टार्ट हो गया। ट्रैक्टर चली गई वहाँ, दूसरे खेत चले गए ट्रैक्टर, एक बुआली कर रही है यहीं पर बोनी। इस 10-14 एकड़ को निपटाना है और जितने बजे तक निपटा जाए गुरु बस बांधना है, जल्दी से जल्दी निपटाना है। फिलहाल 14 एकड़ में से लगभग 1 एकड़ बचे हैं, लास्ट कोनिया ये है। ट्रैक्टर चल रही है, सनसेट भी हो गया, 6:30 बज गए अभी शाम के। चलो इसको करते हैं और वो ट्रैक्टर बेड बना रहे, ज़्यादा ज़्यादा टाइम हो ही जाएगा बेहतरीन। चलो मस्त चल रही ट्रैक्टर, वहाँ से स्टार्ट किया था गुरु। बस कुछ देर बाद फिर चलते हैं घर। चलो चलो नाश्ता नाश्ता करते हैं, टाइम हो गया 9 बज गया गुरु आज तो। चलो गुरु घर, फिलहाल घर और कपड़ा अपना चेंज कर लिया है। गुरु थक गए आज तो, मैं करता हूँ फिलहाल उस ब्लॉग के यहीं पर एंड। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी चैनल से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।